हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में आगे नेक्स्ट क्या आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, इनमें से मैं दो कार्ड लूँगी, ठीक है, रैंडमली। और जो भी कार्ड्स आएंगे, ठीक है, उसी कीवर्ड पर आपका प्रेडिक्शन होगा। ओके, कुछ भी आ सकता है, तो उसी उसी फैक्टर में हम जानेंगे कि आगे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। मैरिज हो सकता है, लव हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है, वेल्थ हो सकती है। चलिए, एक एक कार्ड आ गया, एक और ले लेते हैं। चलिए, दो कार्ड हमें मिल गए हैं, इनको देख लेते हैं। ओके, लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है इसके बारे में हमें पता चलेगा। और इसी के साथ साथ मैरिज, ओके, लव मैरिज, किसी की लव मैरिज होने वाली है क्या? लव एंड मैरिज, ये दो आपके लिए कीवर्ड्स हैं। इसी के लिए अब मैं आगे प्रेडिक्शन करने वाली हूँ आपके लव लाइफ में, और आपके मैरिज के लिए डिवाइन आपको क्या बताने वाले हैं, यही हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है। गाइस, शुरू करने से पहले लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। अगर रीडिंग पूरी मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो जो पार्ट आपके साथ मैच करे आप उसको रखिए, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। और ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है, जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप देख सकते हैं। तो कुछ कार्ड्स हम लव लाइफ के लिए निकालेंगे, कुछ मैरिज के लिए निकालेंगे। मैरिज में ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको अपनी लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये जानना है। और लव लाइफ जो सिंगल हैं, हो सकता है उनके लिए प्रेडिक्शन आ जाए। मुझे नहीं पता क्या कार्ड्स आने वाले हैं, बट जिस भी तरीके से, जिस भी फॉर्मेट में कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये कार्ड यहाँ के लिए है। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, और एम्प्रेस। कपल आ गया हमारे पास, दोनों लिंक भी कर सकते हैं आपस में। ठीक है, जिस भी तरीके से मुझे मैसेजेस मिलते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ये पूरी रो पेंटिकल के लिए है। चलिए, एक कार्ड अभी और लेना पड़ेगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव हियर फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स है बॉटम द डेक से। मैं थोड़े से कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें। आई होप कि अभी सारे कार्ड दिख रहे हैं जी। तो कार्ड्स आ गए हैं, क्या आगे आ रहा है आपके लिए? सबसे पहली बात है गाइस, मैं यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अभी थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है। अगर बहुत टाइम से थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही थी, इवन यहाँ पे एक अनदर पर्सन आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है। मेजर जो फैक्टर दिख रहा है अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं पेंटिकल 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 एंड पेंटिकल, चारों कार्ड नीचे से पेंटिकल के आए हैं, जो कि मुझे क्लियर बता रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में आगे जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं और या फिर मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं, वो आपके करियर में आ रहे हैं, आपके वर्क एरिया में आ रहे हैं, आपके बिजनेस स्टडी, आपकी इनकम में आ रहा है। आप दोनों को ही ना, अगर अगर आप आपको अगर आप लड़के हैं, अगर आपको एम्परर बनना है, लड़की को एम्प्रेस बनना है, यानी कि अपना एनलाइटनमेंट करना है, अपनी सोल को एनलाइट करना है, तो आपको ना अपने वर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। चाहे वो आप
स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए या फिर अपने करियर में आगे बढ़िए, जैसे भी आप आगे बढ़ रहे हो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आने वाला टाइम ना आपके लिए, जो भी नेक्स्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं आपके वर्क में, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये वर्क ना आपको किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक कर दिया है और इस सिचुएशन से आपका बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर नहीं निकले तो ये हार्ट एक जो फील करते हो ये फील करते रहोगे और कॉन्टिन्यूसली ओवर थिंकिंग भी करते रहोगे। अगर आपको इन दोनों सिचुएशन से खुद को निकालना है तो यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तभी आपका ये जो डिले है ये खत्म होगा और आप एक अथॉरिटी यानी कि एक एम्परर बन पाएंगे, अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस ले पाएंगे और मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आ पाएंगे। पहली बात तो मुझको यही दिख रही है, क्योंकि आपकी लव लाइफ टोटली स्टक है आपके वर्क में। वर्क इन द सेंस आपका इनर वर्क, आपका आगे बढ़ना आध्यात्मिक तौर से और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ चाहती है कि आप खुद को और इम्प्रूव करें और ज़्यादा अपने आप को बेटर बनाएं डे बाय डे, ताकि आप ये थ्री ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल पाएं, जिस भी सिचुएशन में आज ट्रैप्ड हैं वहाँ से बाहर आ जाएं। ठीक है, तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तभी आपकी लव लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे, वरना फिर आप स्टक हैं। लव लाइफ भी आपकी स्टक है, कुछ नहीं हो सकता वरना। तो अब आप देखिए आपको करना क्या है, यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव फ्रीडम सक्सेस हैप्पीनेस। और अगर आपको अपनी ये लव लाइफ ठीक करनी है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू डू योर हार्ड वर्क इनर वर्क। ओके, और तभी गाइज आप अगर ये चीज़ ठीक करते हो तो, अगर आप एक एम्परर हैं तो अपनी एम्प्रेस को इम्प्रेस कर सकते हो, एम्प्रेस हो तो अपने एम्परर को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। सेम ही कार्ड मैरिज के लिए भी हैं, अगर आपकी मैरिज स्टक हो रखी है या फिर कोई मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, बिल्कुल सरेंडर कर दिया है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हो। देखो, अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो गाइज आपके रिश्ते में इतनी करवाहट आने के पीछे का रीज़न है फैमिली। फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, फैमिली बहुत तरह की बातें बना रही है, अननेसेसरी बातें जो नहीं बननी चाहिए वो बन रही है, और आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है आप हस्बैंड वाइफ का, वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, ना के बराबर हो चुका है। आप दोनों पता नहीं कब से आप दोनों इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे को, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको दखल अंदाजी पसंद नहीं है दूसरे लोगों की, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली में मैरिज की बातें हो रही हैं, ठीक है, और ये पर्सन अपनी फैमिली पर डिपेंड है बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो इस पर्सन को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली भी नहीं मान रही है और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मान जाए, आपकी फैमिली आपकी फीलिंग्स को आपकी खुशियों को समझे, तो फिर आपको एम्प्रेस बनकर दिखाना पड़ेगा उनको कि यस, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने डिसीजंस जो भी लोगे वो गलत नहीं होंगे। इस तरीके से आपको अपनी फैमिली को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी शायद ये ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे और आपके आपका जो रास्ता है, जो मैरिज में रुकावट है, वो क्लियर होगा। यही होगा गाइज, अगर आप इतने एफर्ट्स लगाते हो तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, और जो भी गिले शिकवे हैं या फिर नाराज़गी है या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं वो भी मान जाएंगे, बट आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये भी देखो मेहनत का कार्ड है, हार्डवर्क का कार्ड है, ये तो आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं चेंज लाना अपनी लाइफ में, कुछ नया लेकर आना अपनी लाइफ में नेक्स्ट, क्योंकि सेम कंडीशन में आप चाहते नहीं हैं कि आप रहें। तो यस, आपको अपने देखो एफर्ट्स लगाओगे तो रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं करोगे, कुछ भी ऐसे ही बैठे रहोगे, रहोगे परेशान होगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला आपका, जहां आप हो वहीं रहोगे, ये बात तो क्लियर है। चलिए और देख लेती हूँ मैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। देखो ये पार्टनर आ सकते हैं आपकी लाइफ में अगर आप सही से स्टेप लेते हैं, विश्वास के साथ आ सकते हैं ये पार्टनर। कंप्लायंस, रोने से कुछ नहीं होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, काम करने से बहुत कुछ हो जाएगा। रिजेक्शन, रिजेक्शन का डर निकालना पड़ेगा आपको अपने माइंड से। हो सकता है कि अगर आप अपने करियर में ही स्टेप लेने में डर रहे हो तो फिर तो कोई कुछ नहीं हो सकता, फिर
क्विस्ट गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ अचीव करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। रिजेक्शन भी कुछ ना कुछ चीजें सिखा के जाएगा आपको। अगर आपके मन में डर है, आपके मन में आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक बार ट्राई तो करो। एक बार रिजेक्ट होगे, हर फेलियर से कुछ ना कुछ इंसान सीखता है। तो अगर आप एक बार में पास नहीं होते हो, तो भी गाइज ट्रस्ट मी, ये रिजेक्शन भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। लेकिन आप स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाइए। और जो स्टेप ले रहे हैं, फेलियर मिल रहा है या सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली काम करते रहिए, चेंज 100% आएगा। अगर कभी देर करते हैं ना डिवाइन देने में, जो आप डिजर्व करते हो, तो फिर वो आपके लिए और बेहतर प्लान कर रहे हैं, और अच्छा आपको देने वाले हैं। डिवाइन पे कभी शक मत करना, कभी कोई डाउट मत करना। वो हमारे भगवान हैं, ठीक है, उन्होंने ही हमें बनाया है। जितना अच्छा वो हमें जानते हैं, शायद हम भी नहीं जानते इतना अच्छा खुद को, ठीक है। इसलिए उन पर कभी कोई डाउट नहीं, कभी कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि ये जिंदगी देने वाले वही हैं हमें, ठीक है। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ अपने काम कीजिए। आपकी लगन देखकर, आपका हार्डवर्क देखकर, वो आपको 100% आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे, और वो आपके फेवर में ही होगा अगर आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो अभी आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने हैं, तो अपने पेंटिकल्स, अपने करियर, अपनी स्टडी, अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस कीजिए। भ्रम में मत रहिए कि हर चीज़ ऐसे ही हो जाएगी। ऐसे कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। और ये थोड़े से एफर्ट्स आपके लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस ले आएंगे। यिंग एंड यांग, क्योंकि हो सकता है आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, इसीलिए इतने सारे स्ट्रगल आ रहे हैं। दूसरों की तरह आपकी जिंदगी आसान नहीं है कि बस रिश्ता मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई और एक ऑर्डिनरी लाइफ आप जी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप इस कनेक्शन में हैं, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं दूसरों से, और आपकी जर्नी पेनफुल है, क्योंकि आप एक मास्टर सोल बनने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। आपकी सोल को मास्टर सोल में कन्वर्ट होना है, और जब एक सोल मास्टर सोल में कन्वर्ट होती है, तो उसको काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ता है अवेकनिंग के लिए। आगे चलकर आपके पास गाइस एप्रिशिएशन आ रहा है। मुझे लगता है जो यहाँ आया है ना प्रेडिक्शन, आप इसको फॉलो करने वाले हो, और 100% आपके लाइफ में इतना करने पर आपको एप्रिशिएशन आ रहा है आपके पास, नो डाउट। गुड, ये अच्छी बात है। एंजल ऑफ बैलेंस इज विद यू, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैलेंस बनाने में भी आपको सपोर्ट मिल रहा है आपकी लाइफ में प्रॉपर। और ये पर्सन देखो प्यार तो करते हैं आपसे, और क्यों नहीं करेंगे जब इस एनर्जी में है, यिंग और यांग की एनर्जी में। तो ये पर्सन अपना दिल आप ही के लिए लिए बैठे हैं, बस सही समय का इंतजार हो रहा है यहाँ पर, जो चीजें मैं देख पा रही हूँ। द वर्ल्ड, इस दुनिया को दिखा दो आप रियलिटी में कौन हो, आप कैसे हो, आप कितने अच्छे हो, कितने वर्थी हैं। ज्यादा टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो मेडिटेशन कर लीजिए, आपको रिलैक्स फील होगा। आप अपनी कम्युनिटी में मुझे फेमस होते हुए दिख रहे हैं। आपके पास अबंडेंस आ रहा है, गाइडेंस आ रही है, नॉलेज आ रही है, और विश्वास आपका इस कनेक्शन पर बढ़ेगा, आपके इस पार्टनर पर, जो इस पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है, ठीक है। गाइस परेशान बिल्कुल ना होइए, जो होना है बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा, ये मान के आप आगे बढ़ें। वाओ, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा इज विद यू। देखो लॉर्ड गणेशा क्या बोल रहे हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, यानी कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, वो लॉर्ड गणेशा पहले ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, और आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, ये भी डे बाय डे बढ़ रहा है। लॉर्ड गणेशा आपके साथ हैं, और आप पता है गणेश के दिन, गणेशा के दिन आने वाले हैं। दशखेना, सेक्रेट सेल्फ, अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। यस, फ्री सोल बनिए गाइस, विदाउट एनी टेंशन आगे बढ़िए लाइफ में। अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस कीजिए, डांस कीजिए यूनिवर्स के साथ, ठीक है। आर्कएंजल माइकल इज विद यू, ये आपसे कह रहे हैं ट्रस्टिंग हेवन, यानी कि हेवन पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। यू आर सेफ, आप सेफ हैं। एंजल स्टैंड क्लोज, एंजल आपके पास ही खड़े हैं। सरेंडर योर कंसर्न्स, अपने सारे कंसर्न सरेंडर कर दीजिए, एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तभी मिरेकल होगा जब अपना सारा कंसर्न आप सरेंडर कर देंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है करना, यू नीड टू डू दिस। एंड वी हैव लॉर्ड गणेश, ओ सॉरी, यस लॉर्ड शिवा, बाबा और बेटे दोनों साथ ही आ गए हैं। यस,
देख लो गाइस, अब आपको दो बार बोल दिया, डांस विद द यूनिवर्स। यस, एंजल आपके साथ हैं। विदाउट एनी टेंशन अपना इनर वर्क करिए, अपना वर्क करिए, और आपको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगा, आपको लाइफ में एप्रिसिएशन मिलेगा, और आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अपने कनेक्शन पर, अपनी डेस्टिनी पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यू नीड टू डू हार्ड वर्क एंड देन यू विल सी द चेंज। ठीक है, आपकी लाइफ आज जो है, अगर आप कंपेयर करें पास्ट से, तो बहुत अच्छी हो गई है, और फ्यूचर में अब और अच्छी हो जाएगी अगर आप ये इनर वर्क करते हैं अपना। ठीक है, तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी आ रही हैं। आपकी लव लाइफ कैसे इम्प्रूव हो सकती है, क्या चेंजेस लाने पर कैसे आपकी लव लाइफ में इम्प्रूव आएगा, कैसे आप मैरिज तक पहुंचोगे, सब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।